आज ऐसे जैसे कल फाइनल हुआ। ओके मेरा डायलॉग है ऐसे तैसे कैसे वैसे जैसे फाइनली ये पूरा होटल ओपन हो चुका है। गाइस कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई लोग सब मजे में होंगे। तो फिर आज का दिन मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज तारीख है 3 सितंबर, कल तारीख थी 2 सितंबर, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता। ओके आज वाल है मंगलवार और कल हमारे भी बापा विराजमान हो गए और आपके भी घर पर बापा विराजमान हो चुके होंगे। तो फिर आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों देख लीजिए आप। आज है हमारे भैया के होटल की ओपनिंग और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिन से हमारा चल रहा था बहुत अच्छी ओपनिंग करेंगे। एक्चुअली कल ही ओपनिंग करनी थी बट किसी कारणवश हम ओपनिंग कर नहीं पाए, तो फिर आज हम ओपनिंग करेंगे होटल की और आपको भी दिखाएंगे कैसे हम। अगर आप कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे तो फिर इस ब्लॉग में आपको सभी माहिती मिल जाएगी और आपको बिजनेस कैसा स्टार्ट करना है। अगर आप होटल का एक बिजनेस ओपन करेंगे तो फिर आप किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। तो फिर आपको बस जुड़े रहना है। ऑलराइट ब्रदर्स, तो फिर डेकोरेशन का सामान आपके भाई ने ले लिया है, अभी अब जा रहा है होटल में। अभी हम डेकोरेशन करेंगे, सब करेंगे, फिर बाद में ओपनिंग करेंगे। तो लो जी भाई, पहुंच चुके हैं हम अपनी होटल की लोकेशन पर, होटल ओम साई। अभी अंदर जाके देखोगे तो फिर अभी तो फिलहाल काम ही चालू है, सब साफ सफाई चालू है हमारे भैया की। हमारे सेठ जी जो कि हमेशा टेंशन में बैठे रहते, तो फिर सेठ जी एक बात बताओ, हमने हमारे दर्शकों को बता दिया है कि होटल ओपनिंग के टाइम पर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। ऐसे सेठ जी ऐसे देख रहे, ये भी दूसरे सेठ जी हमारे, उनके पीछे हमारे वो कारागीर है, क्या बोलते आचार्य बोलते हैं उसको। बताओ अपनी कहानी क्या क्या हुई थी। ओके एक महीना 12 दिन से अभी तक काम चालू था। फाइनली आज ऐसे जैसे कल फाइनल हुआ। ओके मेरा डायलॉग है ऐसे तैसे कैसे वैसे जैसे फाइनली ये पूरा होटल ओपन हो चुका है। अभी बच चुके हैं 7:45 और हमारी पूजा की सामग्री सब लेके मैंने सब जोड़ के अभी पूजा चल रही है। वहां पर देख सकते हैं आप, पूजा चल रही है हमारी और हमारा जो रिबिन सेरेमनी है, रिबिन काटने का अभी इसके बाद होगा, आपको मैं बताऊंगा। ये सब मेरे भाई कैसे दिख रहे हैं, देखो ऐसा हाय कर दो, हाय हाय हाय। ये भाई मेरे फ्लैश पकड़े हुए थे यहाँ पर, ऐसे दिखाओ ना अभी कैसा गोरा लग रहा ना भाई इसके लिए। फिर ये है हमारे मोहित भाई, मोहित भाई स्माइल स्माइल, मोहित भाई बहुत भाई। ये है हमारे छोटे मियाँ 1 नंबर, छोटे मियाँ 2 नंबर और छोटे मियाँ 3 नंबर, तालिया तालिया। हमारे अंसारी भाई, अरे भाई इतने स्मार्ट दिखते हैं यार, एक स्माइल तो दे दे भाई। भैया जी स्माइल।
फिर बात कुछ ऐसी है, अभी तक मैंने आपको होटल का एड्रेस भी नहीं बताया, तो फिर सेठ जी किधर गए? हाँ ऐसे गायब मत हो या करिए। तो फिर सेठ जी अपने होटल का एड्रेस शुभारंभ सोसाइटी के ठीक सामने बीजीएस कॉलेज वागोली, इधर देखने का, इधर इधर इधर। तो फिर एक बार जरूर आएगा अपने होटल में, क्या क्या मिल जाएगा सेठ जी अपने होटल में? पंजाबी है, तंदूर है, इंडियन है और चाइनीज है, चाइनीज है, राइस प्लेट है और बहुत कुछ है। आप एक बार आइए, यहाँ का क्वालिटी देखिए, आप पसंद आया तो बस जरूर आएगा।